कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. सो एक्चुअली आई एम सो सॉरी, मैं थोड़े दिन से मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे. उसका एक रीजन था कि मेरी बेटी की थोड़ी सी तबीयत खराब थी. तो अभी वो बिल्कुल ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद आपको मिलवा दूंगी. पर मैंने सोचा कि जो एक्सपीरियंस अभी मैंने करा है और कई सारी चीजें मुझे पता चलती जा रही हैं पेरेंटहुड में, मैंने सोचा वही चीज आपके साथ शेयर करती हूँ, शायद आपके काम आ जाए. तो कुछ इम्पॉर्टेंट एंड इमरजेंसी मेडिसिन्स हैं और जो आपके साथ शेयर करूंगी तो शायद आपको बेनिफिशियल रहेंगी, जैसे मुझे रही. तो जितनी भी मेडिसिन मैं आपको दिखाऊंगी या जो भी चीजें मैं दिखाऊंगी फॉर इमरजेंसी फॉर बेबी, वो सारी की सारी चीजें डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड हैं. मैंने अपने डॉक्टर से बात कर रखी है जो ताशी को देखते हैं. तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. पर मैं एक चीज आपको पहले बता दूं, ऐसा जरूरी नहीं है जो मेडिसिन या जिस कंपनी की मेडिसिन एक बच्चे को सूट कर रही है सेम वैसी ही चीजें या वो ही मेडिसिन दूसरे बच्चे को भी सूट करे. बिफोर एनीथिंग जो मैं वीडियो में भी बोलूं, वो आप डायरेक्ट अपने बच्चे पे कभी यूज मत करिए. अगर इमरजेंसी होती भी है, आप प्लीज अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, अपने डॉक्टर से बात करिए, उसके बाद वो मेडिसिन आप बच्चे को दीजिए. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ब्लॉग. ओके, सो कुछ मेडिसिन मैंने एक बॉक्स में निकाल के रखी हैं, तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगी एंड वो किस लिए है वो भी बताऊंगी. सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ फीवर से. अगर बच्चे को फीवर आ रहा है या यू नो टेम्परेचर है, पहले तो कोशिश करिए सबसे पहले उसका फीवर नापने के. अगर आपको लग रहा है उसको टच करने से भी कि अरे उसे फीवर है, डोंट डू दैट कि आप उसे डायरेक्टली मेडिसिन दे रहे हैं. मार्केट में बहुत सी मेडिसिन आती है, जिसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने बच्चे को तुरंत कोई मेडिसिन दे दें. नो, दे आर वेरी सेंसिटिव. सो पहले ये चीज़ें आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है. थर्मामीटर, मेरे पास दोनों तरीके के थर्मामीटर हैं. वन इज मर्करी, जिसे पारा भी कहते हैं, एंड वन इज डिजिटल. सो आई एम श्योर आप लोगों को दोनों ही पता होंगे. सो ये डिजिटल थर्मामीटर है एंड ये है मर्करी थर्मामीटर. ये मैं सिर्फ और सिर्फ ताशी के लिए रखती हूँ. ये दोनों मैं घर का जो दूसरा फर्स्ट एड बॉक्स है वो बिल्कुल अलग है, ताशी का बिल्कुल अलग है. सो ये थर्मामीटर जो बेबी के लिए है, ये कोई और के लिए नहीं है. बाकी बड़ों के लिए दूसरा थर्मामीटर है, बच्चों के लिए अलग है. ओके, सो ये हो गया फर्स्ट स्टेप. अगर बच्चे को ऐसा कुछ है, फीवर है या आपको लग रहा है या आपके डॉक्टर ने बोला है मेडिसिन के लिए, तो ये मेडिसिन जो आपके पास इतनी चीज़ें हमेशा होनी चाहिए, उनमें से सेकेंड नंबर पे आती है ये आइबोजेसिक पैरासिटामोल. सो ये बच्चे को बहुत हार्श नहीं करेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है. तो ये ताशी को सूट करती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जब उसको फीवर होता है ज़्यादा तब. तो ये आप चाहे तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं और फिर ये ले सकते हैं. ऑलराइट, सो सेकंड आती है जब बच्चों को फीवर वगैरह ये सब होता है, तो एक चीज और होती है दैट कोल्ड एंड कफ. समटाइम्स कभी कभी होता है. सो कोल्ड एंड कफ में क्या होता है, कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं? मैं दो सिरप रखती हूँ जिनका फॉर्मूला एक ही है. आप इसके ऊपर देख रहे होंगे, इसमें थोड़ा सा टेप लगाया है. एक्चुअली मैं कहीं पे ट्रैवल कर रही थी, तो जब भी मैं ताशी की मेडिसिन रखती हूँ तो मैं उसको टेपिंग कर देती हूँ ताकि वो कहीं से लीक ना करे. ओके, सो ये दोनों का नाम थोड़ा सा अलग है बट ये दोनों सेम है. सो मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया था इसलिए ताकि अगर कभी ये ख़त्म हो जाए, ये वैसे भी ख़त्म होने वाला है, तो मुझे लगा था अगर ये ख़त्म हो जाए तो एक मेरे पास होना चाहिए. सो ये है गुड मिनिक एंड दिस इज टी मिनिक, जो दोनों का एक ही फॉर्मूला है, कोई डिफरेंस नहीं है. ये अवेलेबल नहीं था तो मैंने ये ले लिया एंड डेफिनेटली मैंने इसका फॉर्मूला चेक करा क्योंकि निक्की को ये सूट करती है, तो सेम फॉर्मूला वाली मैंने ली. ऑलराइट, सो अब उसके बाद आता है जैसा
वॉमिट वगैरह के लिए, ये भी अगेन टेपिंग करा हुआ है क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी। सो वॉमिटिंग के लिए वॉमिकाइंड मैं ये सिर्फ यूज़ करती हूँ, वॉमिकाइंड निकी के लिए, एंड अगेन वो उसको सूट करता है। बट इसके मेजरमेंट्स जो आप सोचो कि सब बच्चों का मेजरमेंट एक ही होता है कि आप उन्हें सेम दे सकते हो, किसी को 5 ml 1 ml या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। हर बच्चे के वेट के हिसाब से आप उसको दे सकते हो। ये मैं फिर यही कहूँगी, प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से चेक करिए किसी भी मेडिसिन को देने से पहले, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, सो उसके बाद आता है मेट्रोजेल। सो ये किस लिए होता है? दिस इज फॉर लूज मोशन। अगर बच्चे को लूज मोशन हो रहे हैं या स्टमक अपसेट है, कोई भी इस तरीके की चीज़ है, तो आप ये उनको दे सकते हैं। अगेन मेजरमेंट डिपेंड्स ऑन द वेट, बेबीज वेट, उसके हिसाब से आप इसको दे सकते हैं। बट ये भी आपको अपने बेबी के फर्स्ट एड किट में ऐड करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो उसके बाद आता है डायपर से। दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट। ये क्यों इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अगर बेबी को लूज मोशन हो रहा है, या कभी कभी जो मिल्क बच्चा जो होता है काउ मिल्क पे आता है, या कोई चीज़ उसको सूट नहीं कर रही है, मोशन हो रहा है या यूरिन हो रही है और उसको रैशेज हो गए। और आजकल के टाइम में क्या होता है, हम बच्चों को कपड़ा के नैपी देते ही हैं, पहनाते हैं, बट एक टाइम में हमें वो हटाना पड़ता है। रीज़न वाई, बिकॉज वो गीला होता है, बच्चे की नींद खुलती है और उनको वो प्रॉपर नींद नहीं मिल पाती है जो मिलनी चाहिए। सो दिस इज़ द रीज़न हमें उनको डायपर पहनाना पड़ता है। जबकि मैं भी ये करती हूँ कि मैं निकी को हाफ एन आवर या 1 hour के लिए उसको नॉर्मल कपड़े में रखती हूँ और बाकी टाइम उसको डायपर पहनाती हूँ, ताकि उसका स्लीपिंग टाइम में वो डिस्टर्ब ना हो। सो समाइम निकी को वैसे इसकी ज़रूरत ज़्यादा कभी पड़ी नहीं, बट फिर भी मैं इसको उसकी फर्स्ट एड किट में रखती हूँ, उसके जो मेडिकल किट है उसमें रखती हूँ, ताकि कभी भी अगर ऐसा हो, रैशेज हो या कुछ, तो ये क्रीम उसको अप्लाई कर सके। सेम न्यूज फॉरिन पाउडर, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। अगेन अगर बच्चे को कोई भी रैशेज या कोई चोट या कुछ भी प्रॉब्लम है, आप तुरंत इसको अप्लाई करिए। दिस इज मेडिकेटेड पाउडर, ये सब कोई जानते हैं। ओके, ये बड़ों के लिए भी बाय द वे ठीक है। ओके, सो जो अगली चीज़ है बेबी किट में, दैट इज दिस नेजल स्प्रे। अब वाई नेजल स्प्रे इज सो इम्पॉर्टेंट इन एनी वेदर? द थिंग इज कि आजकल गर्मी होती है या कुछ होता है, तो हम बच्चों को कभी एसी में भी सुला लेते हैं। फिर क्या होता है, बच्चे दे आर वेरी टाइनी, दे आर वेरी सेंसिटिव, कभी कभी उनको नेजल जो होता है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। फिर सुबह उठते हैं, उनको नाक ब्लॉक है, दे आर क्राइंग, दे आर क्रैंकी मोस्ट ऑफ द टाइम। तो क्या होता है, आप समझ नहीं पाते ऐसा क्यों है। तो हमेशा अगर आप बच्चे को एसी में लेके सो रहे हैं, या रेनी सीजन है या फिर आपका विंटर है, तो हमेशा इसको रखिए। इससे कोई हार्म नहीं होगा अगर आप इसको एक बार स्प्रे भी, अगर आप एसी में भी बच्चे को लेटा रहे हैं, एसी में बच्चा सोने जा रहा है, अगर आप पहले ही इसको नाक में स्प्रे कर देंगे बच्चे के, तो उससे कोई प्रॉब्लम हो गई और वो आराम से सो जाएगा। अगेन अगर आपको कोई भी डाउट होता है, तो आप प्लीज अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। सो ये एक मेरे पास मेडिसिन है जो कि आयुर्वेदिक है, वैद्यनाथ की रस पीपरी। अब ये क्यों चाहिए होती है, हो सकता है बहुत से लोगों को पता हो, बहुत से लोगों को नहीं पता हो, पर मैं आपको बताती हूँ। ये मेरी मम्मी ने मुझे बताया, मुझे भी नहीं पता था, मुझे सब इंग्लिश मेडिसिन के बारे में पता था, पर ये मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि ये जब बच्चों के दांत निकल रहे होते उस टाइम में ये बहुत ज़रूरी होती है। सो हम लोग को जब ऐसा फील हुआ कि निकू के शायद दांत निकलने वाले हैं, तो मेरी मम्मी ने तुरंत ये मंगवाया, इन केस अगर ज़रूरत पड़ जाए, सो जस्ट कीप इट इन योर बेबीज मेडिकल किट। तो लकीली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। क्या होता है, जब बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं, वो क्रैंकी हो जाते हैं, या तो उन्हें गम्स में या मसूड़ों में खुजली होती है, इरिटेशन होती है, समटाइम्स लूज मोशन होते हैं, एंड इट इज लाइक वर्स्ट इन सम केसेस। सो निक्की के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको 1 साल के बाद दांत निकल रहे हैं अभी,
एंड शी इज एब्सोल्युटली फाइन. सो अगर जरूरत नहीं पड़ती है तो कोई भी मेडिसिन को जबरदस्ती यूज मत करिए. फर्स्ट वॉश योर हैंड्स बिकॉज आप इसको बच्चे के ऊपर यूज करने जा रहे हो. तो क्या करना है, इसकी 3 बूंद निकाल के उसको शहद के साथ, थोड़े से शहद के साथ मिला के बच्चे के गम्स पे या मसूड़े पे अच्छे से अप्लाई कर दीजिए. तो बच्चे को जो एक इरिटेशन या खुजली, इचिंग जो होता है वो कम हो जाएगा, काफी हद तक कम हो जाएगा. तो बच्चे आपको परेशान नहीं करेंगे, क्रैंकी नहीं होंगे, इरिटेट नहीं होंगे और खाना पीना नहीं छोड़ेंगे. बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, बच्चे इतने इरिटेट, इतने परेशान हो जाते हैं बेचारे कि वो अपना खाना पीना छोड़ देते हैं, या अगर दूध पे हैं तो दूध भी छोड़ देते हैं. सो अब बच्चे तो बच्चे, वो कुछ बोल नहीं सकते, तो वो इस तरीके से जाहिर करते हैं अपनी चीजें. ओके, उसके बाद आता है विटामिन D3. दिस इज अगेन वेरी मस्ट एंड रेगुलर. सो जहाँ तक मैंने अपने पीडियाट्रिक से बात करी है, उन्होंने मुझे बताया कि जो D3 है वो बच्चों को 5 साल तक देना चाहिए. एंड इट्स वेरी 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 इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ देयर बोन्स. सो D3, अभी निक्कू जो है वो 1 साल की है एंड हाउ वेट इज 9.5, 9.5 kg की है. डॉक्टर ने बोला ये बिल्कुल परफेक्ट वेट है, वो ज़्यादा कम नहीं है. शी इज एब्सोल्युटली फाइन एंड फिट. ऑलराइट, सो जो नेक्स्ट मेडिसिन है, दिस इज एल्बेंडाजोल. ये मेडिसिन कोई ऐसी रेगुलर नहीं है, और अगर आप अपनी किट में इसे ऐड नहीं करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट मैं अभी, मेरी किट में ये है और 1-2 दिन में मैं निक्कू को देने वाली हूँ. सो इसलिए मैंने सोचा कि ये भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ. सो ये होती है बेसिकली डीवॉर्मिंग के लिए. अब कुछ को पता है डीवॉर्मिंग क्या होता है, कुछ को नहीं पता है. सो डीवॉर्मिंग जो पेट में कीड़े हो जाते हैं या वॉर्म्स हो जाते हैं, एंड दिस इज वेरी नॉर्मल, डोंट बी स्केयर्ड, आप डरिए नहीं. ये बड़ों के भी होता है, ये बच्चों के भी हो सकता है. इसकी मेडिसिन आती है. सो ये निक्की की मेडिसिन है, बच्चों की अलग आती है. सो डॉक्टर ने बोला है कि ये मैं उसको दे सकती हूँ. एंड जब भी मैं दूँ तो एक चीज, आपको सबको पता होगा चीज़ आता है, सबको बहुत टेस्टी लगता है, मुझे भी लगता है. तो चीज़ का क्यूब थोड़ा सा मैश करके ऐसे हाथ से उसको खिला दें. क्यों? क्योंकि वो बहुत फैटी होता है, और जब निकू उसे खाएगी, ये मेडिसिन लेगी, उसके बाद जब मोशन होगा तो वो, अगर कुछ वॉर्म होंगे भी तो वो आउट हो जाएंगे. और अगेन एक बोनस टिप कि ये बड़ों के लिए भी ज़रूरी है डिवॉर्मिंग, सबके लिए ज़रूरी होती है. तो अगर आपको नहीं पता है, प्लीज़ गो टू योर डॉक्टर, योर फैमिली डॉक्टर और योर नियर बाय डॉक्टर एंड आस्क फॉर दी डिवॉर्मिंग मेडिसिन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो आधी बीमारियाँ आपकी वैसे ही ठीक हो जाएगी. ऑलराइट, सो अगेन ये एक चीज़ है जो हमेशा आपके पास होनी चाहिए. बहुत से अलग अलग ब्रांड्स आते हैं, पर लेट मी टेल यू कि बच्चों के लिए ORS अलग होता है, बड़ों के लिए अलग होता है. सो आप ये नहीं कर सकते कि कोई भी ORS बच्चों को दे दे, नहीं. सो मैं ये ORS यूज़ करती हूँ निक्की के लिए. अगर कभी ज़रूरत पड़ गई, उसको बहुत ज़्यादा मोशन हो रहे हैं या डिहाइड्रेट हो गई है, तो मैं उसको ये देती हूँ. एंड उसको इसका फ्लेवर भी बहुत पसंद है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और शी इज मेकिंग सो मच ऑफ नॉइस. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस फैब्रिक रोल ऑन. ये आपकी किट में एवरीवेयर, आप कहीं भी 1 घंटे के लिए भी जा रहे हैं तो आप अपने पर्स में इसको जरूर रखिए. बिकॉज क्या होता है, आजकल मॉस्किटोज का खतरा कहीं पर भी है, एंड हम सबको पता है कि किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं. सो ये ज़रूर रखिए, इट्स वेरी गुड. मैं यूज़ करती हूँ और इसके बेनिफिट्स मैं देख रही हूँ, ना, वेरी हैप्पी विद दैट. सो प्लीज़ यूज़ करिए ये सारी चीज़ें. तो या इतनी चीज़ें मैं रखती हूँ निकू की मेडिकल किट में, मेडिकल बॉक्स में. और आई होप ये वीडियो आपको भी बहुत सारी जानकारी देगा, जो शायद आपको थी या जो नहीं थी वो भी. और अगर आपके पास कोई ऐसी जानकारी है या कोई ऐसी मेडिसिन के बारे में पता है या कोई ऐसी चीज़ के बारे में पता है जो मुझे निक्की की मेडिकल किट में ऐड करना चाहिए, तो प्लीज़ शेयर करिए. मैं डेफिनेटली उसको ऐड करूँगी, बिकॉज बेबीज कम फर्स्ट. सो या दिस इज़ फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग. टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कॉमेंट एंड लाइक.
to my channel, which is Ashi Tashi Vlogs. Thank you. Bye-bye.